हेलो मैम परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म्स के बारे में, जिसके अंदर हमारी बेसिकली दो मेन लिक्विड प्रिपरेशंस आती हैं, जिसमें पहला है हमारा इमल्सन और दूसरा है हमारा सस्पेंशन। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने इमल्सन्स के बारे में, जिसमें हम लोग इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ साथ अपने टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्सन को भी कवर करेंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे इमल्सन की, तो ये हमारा एक बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है, जैसा कि हमें पता है। अब देखो यहाँ पे इसके अंदर होता क्या है कि इसके अंदर हमारे दो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं। इमिसिबल का मतलब क्या होता है कि जो आपस में मिक्स ना हो। तो देखो सबसे पहले आप लोग ये समझो कि बाईफेजिक का मतलब क्या होता है कि हमें जो है दो फेस देखने को मिलेंगे। तो दो फेस हमें कब देखने को मिलेंगे, जब हम लोग किसी दो ऐसे लिक्विड को मिक्स करेंगे जो आपस में मिक्स ना होते हों। देखो अगर हम लोग जो है दो ऐसे लिक्विड्स को मिक्स करें, ठीक है, जो आपस में मिक्स हो जाएं, तो हमें दो फेस देखने को मिलेंगी। तब तो वो आपस में मिक्स होकर एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लेंगे और हमें जो है सिंगल फेस देखने को मिलेगी। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे दो ऐसे लिक्विड को मिक्स करेंगे, जैसे कि मान लो सिंपली इतने दिनों से देखो मैं आप लोगों से बोलते हुए आ रहा हूँ कि हम लोग जो है ऑयल और वाटर को मिक्स करें, ठीक है, यहाँ पे तेल और पानी को जब हम लोग मिक्स करते हैं तो हमें क्या होता है दो लेयर देखने को मिलने लगती है, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर हमारा वाटर है तो ऑयल को जब हम लोग मिक्स करेंगे तो यहाँ पे ये हमें दो फेस देखने को मिलने लगेंगी और यही हमारा इमल्सन होता है, ठीक है। इमल्सन बेसिकली यहाँ पे मिक्सचर होता है ऑयल और वाटर का, ठीक है। यानी ऑयल और वाटर को जब हम लोग यहाँ पे मिक्स करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे प्रिपरेशन तैयार होता है वही हमारा इमल्सन होता है। अब यहाँ पे देखो ये जो ऑयल और वाटर है, ठीक है, यानी कि ये जो दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं ये यहाँ पे मिक्स रहते हैं। अब यहाँ पे देखो मिक्स होते नहीं है तो रहते कैसे, रहते हैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ एन इमल्सीफाइंग एजेंट। यानी कि इमल्सीफाइंग एजेंट हमारा ऐसा एजेंट होता है जो तेल और पानी को आपस में मिक्स करने का काम करता है, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इमल्सीफाइंग एजेंट क्या होता है, तब आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा इमल्सन होता है इसके अंदर बेसिकली हमें दो फेस देखने को मिलती है, जिसमें पहला होता है हमारा डिस्पर्स्ड फेस और दूसरा होता है हमारा कॉन्टीन्यूअस फेस, या फिर इसी को हम लोग जो है डिस्पर्जन मीडियम के नाम से जानते हैं। अब ये डिस्पर्स्ड फेस और कॉन्टीन्यूअस फेस क्या होता है, ठीक है, और कौन चीज़ हमारी डिस्पर्स्ड फेस होती है और कौन सा हमारा कॉन्टीन्यूअस फेस होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पर टाइप्स ऑफ इमल्सन में देखते हैं तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ इमल्सन की, तो यहाँ पे इमल्सन बेसिकली हमारे दो टाइप के होते हैं, जिसमें पहला है हमारा ऑयल इन वाटर इमल्सन और दूसरा है हमारा वाटर इन ऑयल, और तीसरा भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो कि हमारा मल्टीपल इमल्सन। लेकिन हमारे सिलेबस में बेसिकली हमें इन दोनों को ही पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करें ऑयल इन वाटर, तो देखो नाम से समझो ऑयल इन वाटर का मतलब क्या हुआ कि तेल हमारा पानी में होगा, ठीक है, यानी पानी ज़्यादा अमाउंट में होगा, वाटर यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में होगा, ऑयल हमारा कम अमाउंट में होगा। यानी ऑयल को जब हम लोग यहाँ पे वाटर में मिक्स करें, वाटर हमारा बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो और ऑयल हमारा थोड़ा कम अमाउंट में हो, तो जो हमारा इमल्सन तैयार होगा वो हमारा होगा ऑयल इन वाटर इमल्सन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हो। अब देखो इसको बहुत ही सिंपली ऐसे समझो कि जैसे हमारा मान लो यहाँ पर ये हमारा इमल्सन है, ठीक है, और ये हमारा यहाँ पर वाटर है, ठीक है। अब वाटर हमारा यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, ठीक है, वाटर हमारा। अब हम लोगों ने इसमें क्या किया, थोड़ा अमाउंट में ऑयल को मिक्स किया। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले जब हम लोग ऑयल को मिक्स करेंगे तो यहाँ पे हमें जो है एक लेयर देखने को मिल जाएगी ऑयल की और ये मिक्स नहीं होगा, ठीक है, और हमें दो फेस देखने को मिल जाएंगी। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा, देखो थोड़ी देर बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम ये जो ऑयल है ये हमें वाटर में ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में देखने को मिलेगा, यानी बबल्स के फॉर्म में। आप लोग इसको देखो घर पे करके भी देख सकते हो। तो ये जो बबल्स है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये हमारा जो है ऑयल जो है बबल्स के फॉर्म में हमारी वाटर में प्रेजेंट हो जाएगा और इस तरीके से हमारा जो है एक इमल्सन तैयार हो जाएगा जो कि है हमारा ऑयल इन वाटर इमल्सन। तो देखो ऑयल कम अमाउंट में, वाटर ज़्यादा अमाउंट में। देखो जो पहले है, ऑयल पहले है ना, तो ऑयल यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेस और वाटर बाद में है, तो वाटर हमारा कॉन्टीन्यूअस फेस। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को समझ में आ गई कि जो हमारा कम अमाउंट में होता है, ठीक है, वो हमारा होता है डिस्पर्स्ड फेस, ठीक है। यानी डिस्पर्स्ड फेस हमारा क्या होता है, जो हमारा कम अमाउंट में होता है, ठीक है। जैसे हमारा ऑयल इन वाटर में बात करें तो ऑयल हमारा डिस्पर्स्ड फेस है, ठीक है, क्योंकि ऑयल यहाँ पे कम अमाउंट में है। जो हमारा ज़्यादा अमाउंट में है वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है कॉन्टीन्यूअस फेस, ठीक है। तो ऑयल इन वाटर में वाटर हमारा क्या हो गया, कॉन्टीन्यूअस फेस। देखो इसको बहुत ही सिंपली आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन हमारा होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट।
देखो हमारा ये जैसे ये जो इमल्सन है ये भी एक टाइप का सॉल्यूशन ही है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट हमारा क्या होता है, कम अमाउंट में होता है, आप लोग को पता है ना, और सॉल्वेंट क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो यहाँ पे देखो जो कम अमाउंट में है वो हमारा हो जाता है डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। यहाँ पे देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जगह हमारा दो अलग अलग नेम आ गया, सॉल्यूट की जगह आ गया डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है, और सॉल्वेंट की जगह आ गया कॉन्टीन्यूअस फेज। तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो उसी तरीके से हम लोग बात करें यहाँ पे वाटर इन ऑयल इमल्सन्स की, तो यहाँ पे देखो वाटर इन ऑयल यानी कि पानी हमारा तेल में प्रेजेंट है, तो तेल हमारा ज़्यादा अमाउंट में होगा, यानी ऑयल हमारा यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में होगा और वाटर कम अमाउंट में होगा। देखो बिल्कुल ही उल्टा है, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल दोनों ही आपस में एकदम अपोजिट हैं। वाटर इन ऑयल में क्या है, वाटर यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज है, देखो जो कम अमाउंट में है, तो वाटर यहाँ पे कम अमाउंट में है तो डिस्पर्स्ड फेज क्या हो गया हमारा, वाटर, और कॉन्टिन्यूअस फेज क्या हो गया, ऑयल। देखो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज था ऑयल और कॉन्टिन्यूअस फेज था वाटर, यहाँ पे क्या है, डिस्पर्स्ड फेज है वाटर और कॉन्टिन्यूअस फेज है ऑयल। देखो कन्फ्यूज तो नहीं हो रहे, बहुत ही सिंपल है यार, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। देखो वाटर ऑयल में है तो डब्ल्यू बाई ओ इमल्सन, ठीक है, और अगर ऑयल वाटर में है तो ओ बाई डब्ल्यू इमल्सन, ठीक है। जो पहले है वो हमारा डिस्पर्स्ड फेज हो गया, यानी वाटर अगर पहले है तो डिस्पर्स्ड फेज, और ऑयल बाद में है तो कॉन्टिन्यूअस फेज, और अगर ऑयल पहले है तो ऑयल डिस्पर्स्ड फेज, वाटर बाद में है तो वाटर कॉन्टिन्यूअस फेज, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे, ठीक है। और उसी तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल इमल्सन की, तो यहाँ पे देखो ये हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा समझ लो। अब यहाँ पे मल्टीपल इमल्सन क्या होते हैं, ये होता है हमारा ओ बाई डब्ल्यू बाई ओ या फिर डब्ल्यू बाई ओ बाई डब्ल्यू, यानी कि ऑयल इन वाटर इन ऑयल। अब आप लोग थोड़ा ध्यान से समझ लो, देखो मान लो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपना सोल्यूशन, हम लोगों ने अपना इमल्सन तैयार किया जो कि है हमारा ऑयल इन वाटर, ठीक है, ऑयल इन वाटर। तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर हमारा कॉन्टिन्यूअस फेज होगा यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा, और ऑयल हमारा थोड़े से अमाउंट में है, ठीक है, यानी ऑयल इन वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, ओ बाई डब्ल्यू। अब हम लोगों ने क्या किया, आप लोग ध्यान से सुनना, इस ओ बाई डब्ल्यू इमल्सन को उठा के हम लोगों ने फिर से ऑयल में डाल दिया, ठीक है, यानी अब हमारा बहुत सारा ऑयल है, ठीक है, ऑयल यहाँ पे है, और हम लोगों ने अपना एक इमल्सन तैयार किया जो कि है हमारा ओ बाई डब्ल्यू, और हम लोगों ने इस वाले इमल्सन को उठा के अपने ऑयल में डाल दिया। तो अब हमारा जो इमल्सन तैयार होगा वो क्या होगा, ऑयल इन वाटर इन ऑयल, यानी सबसे पहले हम लोगों ने ऑयल को वाटर में मिक्स किया और फिर इसको पूरा उठा के हम लोगों ने फिर से ऑयल में मिक्स कर दिया। तो जो हमारा इमल्सन तैयार हुआ वो हमारा क्या हो गया, ऑयल इन वाटर इन ऑयल। और इसी तरीके से अगर मान लो हमारा कोई इमल्सन है, ठीक है, जो यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने मान लो ऑयल लिया, ठीक है, ऑयल बहुत सारा ऑयल है, और वहाँ पे हम लोगों ने जो है वाटर को ऐड किया, तो हमारा कौन सा इमल्सन तैयार हुआ, वाटर इन ऑयल यानी W बाई ओ। अब हम लोगों ने क्या किया, इस W बाई ओ इमल्सन को, ठीक है, फिर से हम लोगों ने एक बहुत सारे बड़े से वाटर के, मतलब आप कह सकते हो वाटर के बीकर में हम लोगों ने इसको डाल दिया, ठीक है, यानी W बाई ओ इमल्सन को हम लोगों ने बहुत सारे वाटर में मिक्स कर दिया। तो अब हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने वाटर इन ऑयल इमल्सन को उठा के वाटर में ऐड कर दिया, तो हमारा इमल्सन क्या हो गया, W बाई ओ बाई W। देखो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो, ओ बाई डब्ल्यू बाई डब्ल्यू यानी ऑयल इन वाटर इन ऑयल, यानी सबसे पहले ऑयल को वाटर में मिलाना है, फिर इन दोनों को उठा के हम लोगों को ऑयल में मिला देना है, और फिर वाटर इन ऑयल इन वाटर मतलब वाटर को सबसे पहले ऑयल में मिक्स करो, फिर इन दोनों को उठा के वाटर में मिक्स कर दो, तो हमारा यहाँ पे मल्टीपल इमल्सन तैयार हो जाता है, ठीक है। अब बात करें हम लोग यहाँ पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ इमल्सन्स के बारे में, तो यहाँ पे हम लोग बात करें यहाँ पे पहले एडवांटेज के बारे में, तो ये हमारा इजी मास्किंग ऑफ अनप्लीजेंट टेस्ट कर देता है, यानी कि अगर मान लो हमारा कोई ऐसी दवा है, ठीक है, जिसका यहाँ पे टेस्ट बहुत ही बेकार है, तो उसको बहुत ही इजीली मास्क कर देता है, यानी कि उसको हाइड कर देता है। तो यहाँ पे देखो जैसे हमारे कुछ ऑयल्स होते हैं, जैसे हमारा कैस्टर ऑयल हो गया, कोड लिवर ऑयल हो गया, तो ये हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाएँ होती हैं, तो यहाँ पे देखो इनका जो टेस्ट है वो बहुत ही बेकार सा रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑयल को जो है वाटर में मिक्स करते हैं इमल्सन में, तो हम लोगों ने क्या किया कि जो कैस्टर ऑयल है और कोड लिवर ऑयल है इसको हम लोगों ने वाटर में मिक्स कर दिया, ठीक है, और इसके बाद देखो क्या हुआ, वाटर यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में होगा और कैस्टर ऑयल और कोड लिवर ऑयल कम अमाउंट में होगा, तो यहाँ पे जो कोड लिवर ऑयल और कैस्टर ऑयल का जो टेस्ट है वो यहाँ पे हाइड हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि वहाँ पे उनका टेस्ट बहुत ही कम हो जाएगा और हमें जो है एक अच्छा सा प्लीजेंट टेस्ट का इमल्सन देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद बात करें तो यहाँ पे ये जो ऑयल होता है, ठीक है, उसके एब्जॉर्प्शन को भी इंक्रीज कर देता है। अब यहाँ पे देखो क्या है कि मान लो अगर हम लोग जो है तेल को डायरेक्टली ले रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उसके एब्जॉर्प्शन में हमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इमल्सन में क्या होता है,
ऑयल हमारा वाटर के साथ मिक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि वाटर जो है ऑयल के एब्जॉर्प्शन को यहाँ पे इंक्रीज कर देता है, यानी ऑयल और वाटर को जब हम लोग एक साथ लेते हैं इमल्सन के फॉर्म में, तो यहाँ पे जो ऑयल है, ठीक है, तो वो इसका एब्जॉर्प्शन यहाँ पे बढ़ जाता है, बहुत ही तेज़ी से हो जाता है। देखो एक चीज़ आप लोग अपने दिमाग में क्लियर कर लो, इमल्सन का मतलब है ऑयल और वाटर का मिक्सचर, ठीक है। अब ऑयल यहाँ पे कम अमाउंट में भी हो सकता है, ज़्यादा अमाउंट में भी हो सकता है, और वाटर भी उसी तरीके से कम और ज़्यादा अमाउंट में हो सकता है। वो हमारा डिपेंड करता है कि इमल्सन हमारा किस तरह का है। देखो ऑयल इन वाटर में क्या होगा, ऑयल कम अमाउंट में होगा, वाटर ज़्यादा, और वाटर इन ऑयल में क्या होगा, वाटर कम और ऑयल ज़्यादा। देखो इन दोनों को आप लोग थोड़ा ऐसे दिमाग में बैठा लो, क्योंकि मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देखने वाले हैं, तो वहाँ पे आप लोग को ये चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा सब्सटेंस हमारा ज़्यादा अमाउंट में है, ठीक है। अब ये हमारी बहुत सारी एक्सटर्नल प्रिपरेशंस को बनाने में भी हेल्प करता है, ठीक है। यानी कि जैसे बात करें हम लोग जो क्रीम वगैरह होती हैं, ठीक है, तो हम लोग आगे देखेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि जो क्रीम वगैरह होती हैं वो बेसिकली हमारा इमल्सन ही होता है, यानी कि क्रीम हमारा इमल्सन का ही एक एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो ये जो क्रीम हो गया, ऑइंटमेंट्स हो गया, तो इन सबको बनाने में हमारा इमल्सन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब यहाँ पे बात करें तो ये जनरली कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, यानी कि इमल्सन्स को बनाने में हमें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है, ठीक है, और इसीलिए ये थोड़े सस्ते भी होते हैं। अब यहाँ पे इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो चूंकि हमारा इमल्सन एक लिक्विड डोजेज फॉर्म है, तो इसकी पैकिंग, हैंडलिंग और स्टोरेज बहुत ही डिफिकल्ट है। देखो मैंने आप लोग को ये सारे पॉइंट्स जो है अपने लिक्विड डोजेज फॉर्म के डिसएडवांटेज में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। देखो पैकिंग, हैंडलिंग और स्टोरेज डिफिकल्ट क्यों होगी, क्योंकि इसकी जो बॉटल्स होती हैं वो जनरली यहाँ पे जो है मतलब आप कह सकते हो ग्लास की बॉटल्स रहती हैं, ठीक है, तो उनके टूटने फूटने का बहुत ज़्यादा यहाँ पे डर रहता है, ठीक है, या फिर मान लो अगर कहीं लीकेज हो गई तो हमारा पूरा लिक्विड बेकार हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे इन सारी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी देखने को मिलती है। अब ये जो है यहाँ पे थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है कि हम लोगों को पता है कि लिक्विड डोजेज फॉर्म ऑलरेडी बहुत ही अनस्टेबल होती है, यानी बहुत जल्दी यहाँ पे अनस्टेबल हो जाती है, ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहती है। लेकिन यहाँ पे जो इमल्सन है वो तो बहुत जल्दी अनस्टेबल हो जाता है। देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इमल्सन हमारा मिक्सचर है ऑयल और वाटर का, तो हम लोग आगे देखेंगे कि चलो ये दोनों मिक्स तो हो जाते हैं, हम लोग जो है मतलब इमल्सिफाइंग एजेंट्स की वजह से जो है ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, लेकिन जो है देखो इन दोनों में बहुत ही जल्दी सेपरेशन देखने को मिल जाता है, ठीक है, यानी बहुत जल्दी ये दोनों फिर से अलग हो जाते हैं। तो जब अलग हो जाएंगे तो हमारा इमल्सन बेकार हो जाएगा और जो है ये हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। और उसके बाद बात करें तो इनके अंदर हमें बहुत जल्दी क्रीमिंग, क्रैकिंग और फेस इन्वर्जन देखने को मिलने लगता है। अब देखो ये जो ये तीनों पॉइंट्स हैं ये आप लोग को हमारे आने वाले लेक्चर्स में जब हम लोग देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन, तो वहाँ पे आप लोग को ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी थोड़ा कन्फ्यूज मत हो, आगे चल के हम लोग को सब कुछ पता चल जाएगा। तो फाइनली हम लोग आते हैं अपने आज के मेन टॉपिक पे, जो कि है हमारा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर इमल्सन्स। अब ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो आप लोग को ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझने की ज़रूरत है। अब देखो ये टॉपिक समझने से पहले एक चीज़ आप लोग क्लियर कर लो कि जो हमारा ओ बाई डब्ल्यू इमल्सन होता है, यानी ऑयल इन वाटर, तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर हमारा ज़्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है, और जो हमारा डब्ल्यू बाई ओ है यहाँ पे क्या होगा, ऑयल हमारा ज़्यादा अमाउंट में होगा। देखो एकदम क्लियर समझ लो, जो बाद में है वो ज़्यादा और जो पहले है वो कम है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में हमें करना क्या होता है, देखो इसका नाम क्या है, आइडेंटिफिकेशन, यानी यहाँ पे देखो हम लोग को आइडेंटिफाई करना होता है। क्या आइडेंटिफाई करना होता है कि जो हमारा इमल्सन है वो किस टाइप का है। अब देखो जनरली यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारा इमल्सन है उसमें हमारा ऑयल और वाटर तो होता है, लेकिन ये दोनों जनरली इस तरीके से मिक्स होते हैं कि अगर हमें कोई अननोन इमल्सन दे दिया जाए जिसके बारे में हमें नहीं पता है, और हमसे अगर पूछ लिया जाए कि ये ऑयल इन वाटर इमल्सन है या फिर वाटर इन ऑयल इमल्सन है, तो हम लोग सिर्फ देख के नहीं बता सकते, ठीक है, यानी बहुत ही अच्छे से मिक्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ एन इमल्सिफाइंग एजेंट, यानी इमल्सिफाइंग एजेंट की वजह से ये दोनों इतनी अच्छे तरीके से मिक्स होते हैं कि हम लोग जो है इतनी आसानी से नहीं बता सकते कि हमारा इमल्सन ओ बाई डब्ल्यू है कि डब्ल्यू बाई ओ है। तो यहाँ पे हम लोग जो है कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। अगर हमें कोई अननोन इमल्सन दे दिया जाए तो उसको पहचानने के लिए कि हमारा इमल्सन यहाँ पे वाटर इन ऑयल टाइप है या फिर ऑयल इन वाटर टाइप है, तो उसके लिए हमारे पास चार आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं। इसमें पहला है हमारा डाइल्यूशन टेस्ट, दूसरा है कंडक्टिविटी टेस्ट, थर्ड है हमारा डाई टेस्ट, एंड फोर्थ है हमारा फ्लोरोसेंस टेस्ट, ठीक है। तो अब हम लोग इन चारों को एक एक करके डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें डाइल्यूशन टेस्ट की, तो देखो यहाँ पे हम लोग करते क्या है कि मान लो हमें कोई अननोन इमल्सन दे दिया गया, ठीक है, यहाँ पे अब आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना, हमें जो है एक इमल्सन दे दिया गया, ठीक है, और हमें नहीं पता कि ये इमल्सन हमारा ओ बाई डब्ल्यू है या फिर डब्ल्यू बाई ओ है।
तो हम लोग इसमें अब करते क्या है, देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डाइल्यूशन। देखो डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट करना। डाइल्यूट कैसे करते हैं, हम लोग उसमें वाटर को ऐड करके। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि ये हमारा जो अननोन इमल्शन है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, हम लोग इसमें थोड़ा वाटर ऐड कर देंगे, ठीक है वाटर। तो वाटर ऐड करने के बाद होगा क्या, अब आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना। अगर हमारा ये इमल्शन जो है ओ बाई डब्ल्यू टाइप है, ठीक है ध्यान से सुनना, ओ बाई डब्ल्यू, तो ओ बाई डब्ल्यू का मतलब क्या है, ऑयल इन वाटर, यानी वाटर हमारा बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। तो अगर हम लोग इसमें जो है और भी वाटर को मिक्स कर देंगे तो इमल्शन में कोई भी फर्क पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी जो हमारा इमल्शन है ठीक है वो जैसा था हमें वैसा ही देखने को मिलेगा, ठीक है यहाँ पे इसमें कोई भी चेंज वगैरह नहीं होगा क्योंकि हमारा वाटर जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अमाउंट में है और हम लोगों ने थोड़ा और डाल दिया तो उससे यहाँ पे इमल्शन में कोई खास फर्क देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वाटर हमारा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। तो अगर हमें जो है वाटर ऐड करने के बाद, यानी कि हम लोग जो है अपना अननोन इमल्शन है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड किया और अगर कोई चेंज नहीं हुआ यानी नो चेंज, तो हमारा इमल्शन किस टाइप का है, तो हमारा इमल्शन है ओ बाई डब्ल्यू टाइप, यानी ऑयल इन वाटर टाइप, ठीक है यानी वाटर ज़्यादा है ऑयल कम है। और अगर अब आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर हम लोगों ने वाटर ऐड किया और हमें जो है दो फेज देखने को मिलने लगी, ठीक है यानी हमारा जो इमल्शन है उसके ऊपर जब हम लोगों ने वाटर ऐड किया तो ये यहाँ पे जो है अलग से मतलब एक सेपरेट फेज के फॉर्म में देखने को मिलने लगा, तो यहाँ पे ये हमारा इमल्शन हो जाता है W बाई O। अब क्यों हो जाता है आप लोग ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्योंकि जो W बाई O है तो यहाँ पे ऑयल बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है क्योंकि W बाई O है यानी वाटर इन ऑयल, यानी वाटर हमारा ऑयल में प्रेजेंट था, वाटर थोड़ा सा था ऑयल ज़्यादा सा था, तो ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा अमाउंट पे था। तो हम लोगों ने जब वाटर ऐड किया तो देखो वाटर ऑयल आपस में मिक्स तो होंगे नहीं, तो हम लोगों ने जब इसमें थोड़ा वाटर अलग से ऐड कर दिया तो क्या हुआ कि ये जो है अलग से सेपरेट फेस के फॉर्म में हमें देखने को मिलने लगा और इसकी वजह से हमें क्या पता चल गया कि जो हमारा इमल्शन है वो यहाँ पे W बाई O टाइप है, यानी वाटर इन ऑयल टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोग बिल्कुल ऐसे देख सकते हो कि हम लोगों ने कोई अननोन इमल्शन है उसमें हम लोगों ने वाटर ऐड किया और अगर नो चेंज यानी कोई भी चेंज नहीं देखने को मिला तो हमारा इमल्शन है O बाई W टाइप। और अगर यहाँ पे सेपरेट लेयर देखने को मिलने लगी, ठीक है यानी आप लोग देख सकते हो कि वाटर यहाँ पे अलग से एक लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट हो गया, तो हमारा इमल्शन क्या हो गया, W बाई O टाइप, ठीक है। और वहीं बात करें हम लोग अपने कंडक्टिविटी टेस्ट की, तो देखो इसका नाम क्या है, कंडक्टिविटी, यानी यहाँ पे जो हमारा कंडक्टिविटी टेस्ट होता है ये यहाँ पे इस प्रिंसिपल पे बेस होता है कि वाटर हमारा एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। देखो आप लोगों को अगर नहीं पता है तो जान लो, बाकी मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होगा कि वाटर हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है यानी पानी हमारी इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही अच्छे से कंडक्ट करता है, तो ये टेस्ट हमारा बिल्कुल उसी पे बेस होता है। अब यहाँ पे देखो इस टेस्ट में बेसिकली होता क्या है, अब आप लोग थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देखना, यहाँ पे हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रोड्स का एक सिस्टम होता है, ठीक है और जिसमें यहाँ पे एक बल्ब फिट होता है। अब हम लोग करेंगे क्या, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना कि यहाँ पे हम लोग जो है इमल्शन में इस सिस्टम को फिट कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद अगर हमारा इमल्शन ऑयल इन वाटर टाइप है, ठीक है तो ऑयल इन वाटर का मतलब क्या हो, वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा बल्ब जो है ग्लो करने लगेगा, यानी बल्ब हमारा जल जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वाटर से कंडक्ट होने लगेगी, ठीक है। और अगर हमारा इमल्शन यहाँ पे W बाई O यानी वाटर इन ऑयल टाइप है तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑयल हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल्कुल ही बेकार कंडक्टर होता है, तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोड्स में इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट होगी और जो हमारा बल्ब है वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं ग्लो करेगा, तो नहीं ग्लो करेगा तो क्या हो गया, W बाई O, और अगर ग्लो कर गया तो क्या हो गया, O बाई W यानी ऑयल इन वाटर टाइप और वाटर इन ऑयल टाइप, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने फोर्थ टेस्ट की, तो ये होता है हमारा फ्लोरोसेंस टेस्ट। अब यहाँ पे देखो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना कि जो हमारा ऑयल है, ठीक है तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो हमारा तेल है, ठीक है अगर हम लोग उसमें लाइट का रिफ्लेक्शन करते हैं तो वो वहाँ पे चमकने लगता है, ठीक है यानी तेल जो है लाइट को यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है यहाँ पे चमकने लगता है, जबकि अगर हमारा पानी है तो वहाँ पे लाइट का कोई भी असर नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा जो फ्लोरोसेंस टेस्ट है, तो यहाँ पे फ्लोरोसेंस का क्या मतलब होता है, फ्लोरोसेंस का मतलब होता है चमक, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑयल है वो यहाँ पे यूवी लाइट के अंडर में जो है फ्लोरोसेंस यानी कि चमक देता है। तो यहाँ पे अगर यूवी ऑब्जर्वेशन में हम लोग को जो हमारा अननोन इमल्शन है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, अगर वो यहाँ पे चमकने लगा यानी कि फ्लोरोसेंस देने लगा, तो हमारा इमल्शन हो जाएगा वाटर इन ऑयल टाइप, यानी ऑयल हमारा ज़्यादा अमाउंट में है और ऑयल यहाँ पे चमकता है, तो हमारा जो इमल्शन है वो यहाँ पे W बाई O हो जाएगा। कब, अगर फ्लोरोसेंस दे रहा है, और अगर नहीं दे रहा है यानी इफ़ नॉट, अगर फ्लोरोसेंस नहीं दे रहा है तो
तो हमारा इमल्सन हो जाएगा ओ बाई डब्ल्यू, यानी ऑयल इन वाटर टाइप, ठीक है, क्योंकि वाटर हमारा जो है ज़्यादा अमाउंट में है और वाटर हमारा कोई भी चमक यहाँ पे नहीं देता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।